नमस्कार टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं, दिल से आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपका भाई आपका दोस्त दीपक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दीपक फिटनेस के ऊपर। गाइस वन सेकंड, मैं माइक चेक कर लेता हूँ, माइक चल रहा है या नहीं है। थैंक गॉड माइक मैंने ऑन कर रखा है। तो गाइस ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि उनका जो बॉडी वेट है वो किस रेंज में है, क्या वो अंडर वेट है, या फिर वो नॉर्मल, उनका जो बॉडी वेट है वो नॉर्मल रेंज में है, या फिर उनका जो बॉडी वेट है वो ओवर वेट है। तो यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होती है, उनको पता नहीं लग पाता कि यार उनका जो उनकी जो हाइट है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका जो बॉडी वेट है क्या वो सही है या फिर सही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, एंड ये जो कन्फ्यूजन है वो मोस्ट ऑफ द जो नए लोग जिम में जाते हैं, जो लोग बिगनर होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो इस आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड शॉर्ट वीडियो होगी ये, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि छोटा टॉपिक है, तो जल्दी से इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, जिसके थ्रू आप लोग ये पता लगा सकते हो कि आपका जो बॉडी वेट है वो किस कैटेगरी में है, क्या आप अंडर वेट हो, या फिर आपका जो बॉडी वेट है वो एक नॉर्मल रेंज में है, या फिर आप ओवर वेट हो। तो ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। एंड वन मोर थिंग, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, एंड इंस्टाग्राम पर अगर मुझे आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करना, जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो जाके फॉलो करना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस मोस्टली चार तरह के बॉडी टाइप होते हैं, एक तो हो गया आपका नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा इधर हो गया आपका अंडरवेट, एंड नॉर्मल से इधर हो गया आपका ओवरवेट, और ओवरवेट से भी अगर आपका थोड़ा वेट ज़्यादा है तो आप आ गए ओबीस कैटेगरी में। तो गाइस ये चार तरह की मोस्टली कैटेगरी होती है बॉडी टाइप की। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे BMI यानी कि आप किस तरीके से ये पता लगा सकते हो कि आप किस कैटेगरी के अंदर हो। ये जो चार कैटेगरी मैंने बताई है आप इसमें से किस कैटेगरी के अंदर आते हो, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि आपका जो बॉडी वेट है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आगे हम लोग दोनों तरीकों को डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे सही लगे आप उस तरीके से आप आपका BMI निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरीकों को इक्वली डिस्कस करेंगे। तो जो पहला तरीका है गाइस, पहला तरीका है एक फॉर्मूले के थ्रू आपका BMI निकालना। तो फॉर्मूला क्या है, क्या है फॉर्मूला है बॉडी वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको जब आपकी वैल्यू डाल के इसको फिल करोगे तो आप आपका BMI पता लगा सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा क्योंकि चीज़ें जो है एग्जांपल से हमको बेहतर तरीके समझ आती है। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो बॉडी वेट है वो 80 kg है और मेरी जो हाइट है वो 5'11" है। तो बॉडी वेट इन kg मतलब 80 अपॉन जो हाइट है उसको मीटर में मैंने यहाँ कन्वर्ट किया है, तो आप गूगल पे जाके इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो लगभग आई है मेरी 1.80, तो इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो गाइस जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग मिलेगा 24.70। एंड गाइस अगर जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट यहाँ पर जो भी आएगा अगर 18.5 से अगर कम आए तो आप अंडरवेट हो, और 18.5 से 24.9 के बीच में अगर रिजल्ट आए तो आपका जो बॉडी वेट है वो एक हेल्दी बॉडी वेट है, आप एक नॉर्मल कैटेगरी में हो। और अगर जो रिज़ल्ट होता है वो 25 से 29.9 के बीच में अगर आता है तो आप ओवरवेट हो, यानी कि आपका वेट नॉर्मल से ज़्यादा है। और अगर आपका जो बॉडी वेट है 30 या 30 से ज़्यादा आता है, गाइस 30 या 30 से ज़्यादा आता है तो आप ओबीस कैटेगरी में हो, यानी कि जो ओवरवेट से भी जो बढ़ के बॉडी वेट होता है, जो टाइप होता है बॉडी टाइप का, आप उस कैटेगरी में हो, ठीक है ना। तो गाइस मेरा जो बॉडी वेट यहाँ पर हमने रिजल्ट आया था हमारा वो आया था 24.70, यानी कि मेरा जो बॉडी वेट है वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। तो गाइस इस तरीके से आप
आपका बॉडी वेट एंड आपकी जो हाइट है उसको इस फॉर्मूले से निकाल के आप ये पता लगा सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है और जो लोग मैथमेटिक फील्ड से हैं वो लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। एंड गाइस अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करके आप ये आपका जो VMI है उसको ईजिली फाइंड कर सकते हो। आप ये पता लगा सकते हो कि आप किस बॉडी टाइप में, आप नॉर्मल कैटेगरी में हो, अंडर वेट हो या फिर ओवर वेट हो। तो गाइस ये तो हो गया पहला तरीका। नाउ अब हम लोग बात करते हैं जो सेकंड तरीका है उसके बारे में। एंड गाइस जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा सिंपल एंड इजी तरीका है आपका BMI निकालने के लिए। तो वो तरीका है आपके BMI टेबल के थ्रू। तो गाइस जो BMI टेबल है उसका जो पिक है, जो फोटो है, मैं आपको वहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो BMI टेबल में एक तरफ आपको देखने को मिलेगा आपका बॉडी वेट जो होगा इन पाउंड्स में, एंड एक तरफ आपको देखने को मिलेगी हाइट। एंड गाइस नीचे की तरफ आपको डिफरेंट टाइप के जो बॉडी टाइप्स है, आपका अंडर वेट, नॉर्मल, ओवर वेट एंड ओबेस, ये चारों तरह के जो बॉडी टाइप है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको आपका जो बॉडी वेट है, आपका बॉडी वेट इन पाउंड्स एंड आपकी जो हाइट है उसको सिंपली इस टेबल के अंदर मैच करना है और कंपेयर करना है। बस इतना सा काम करना है आपको एंड आपका जो BMI है उसको सिंपली यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो गाइस फॉर एग्जांपल मेरा जो बॉडी वेट है वो 80 kg है, तो 80 kg को जब मैं कन्वर्ट करूँगा पाउंड्स के अंदर तो 80 × 2.2 यानी कि मेरा जो बॉडी वेट आता है वो 176 pounds। तो गाइस वेट एंड हाइट दोनों को टेबल के अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं। तो गाइस जब मैं अपना बॉडी वेट एंड मेरी जो हाइट है दोनों को इस टेबल के अंदर कंपेयर करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आता है 24, यानी कि जो 24 है वो आता है नॉर्मल रेंज में। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर जो कलर है, कलर से इन्होंने यहां पर इंडिकेट कर रखा है उस चीज़ को, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मेरा जो बॉडी वेट है वो नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है। तो गाइस ये जो तरीका है ये एक सिंपल एंड बेस्ट वे है टू फाइंड योर बॉडी टाइप। आपको सिंपली क्या करना है, इस टेबल के अंदर आपकी हाइट एंड आपका वेट दोनों को कंपेयर करना है। एंड जहाँ पर वो कंपेयर हो, जहाँ पर वो मिले, आपको सिंपली नीचे आना है और देखना है कि वो किस रेंज में आ रहा है। तो आप सिंपली यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि आपकी बॉडी है वो किस बॉडी टाइप में आती है, आप किस रेंज में आते हो। तो गाइस दो तरीके हैं, तो सिंपल और इजी। आई थिंक जो सेकंड वाला तरीका है वो ज़्यादा सिंपल एंड इजी है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से आप आपका जो बॉडी टाइप है उसको फाइंड कर सकते हो। तो गाइस मेरा काम था बताना, तो मैंने दोनों तरीके यहाँ पर रखे हैं, तो आपको जो सिंपल लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड लगनी भी चाहिए। एंड गाइस बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर लाइक करना, कमेंट करना, और इसके अलावा गाइस मैं कभी बोलता नहीं मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए, बट ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये हर किसी बंदे के काम की वीडियो है, तो इसको शेयर ज़रूर करना। एंड उसके अलावा आपको पता है क्या करना है, आप अगर चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको सिंपली प्रेस करना एंड पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, ताकि इन फ्यूचर में जब भी अपनी वीडियो कभी अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड गाइस एक और चीज़ है, एक और बात है, आपने अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करना। जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर सिंपली आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पहुँच जाओगे, फॉलो करना, मैसेज करना। एंड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो फिटनेस रिलेटेड तो बेझिझक आप अपने इस भाई को, दीपक फिटनेस को, दीपक को आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन या तो वीडियो के थ्रू या मैसेज के थ्रू आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो गाइस आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी और करनी ही चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, कनेक्ट रहिएगा, तब तक के लिए Love you and Jai Hind.